बोकारो डीटीओ संजीव कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर अजय कुमार ने नया मोड़ ट्रैफिक पोस्ट के पास एलपीजी से चलने वाले टेम्पो को पकड़ा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि डीटीओ के निर्देश पर वैसे टेम्पो को पकड़ा जा रहा है जो एलपीजी से चल रही है। साथ ही कहा कि एलपीजी से चलने वाले सभी टेम्पो को सीएनजी में बदलने को कहा जा रहा है। बावजूद इसके टेम्पो चालक एलपीजी से टेम्पो चला रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। वो वाले अभी तक कन्वर्ट नहीं करवाए हैं। इस संबंध में डीटीओ साहब के द्वारा संतोष जी के थ्रू उन लोगों का भेज किया गया था करीब करीब एक हफ्ता 15 दिन पहले, लेकिन अभी तक ये लोग कन्वर्ट नहीं करवाए हैं। और नहीं कन्वर्ट करवाने से ये कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है एलपीजी, इसलिए इन लोगों को कन्वर्ट करवाने के लिए ये रुकवाया गया है। अभी तक नया मोड़ में 22 टेम्पो को जब्त किया गया है। वहीं प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि जब तक सभी गाड़ियां एलपीजी से सीएनजी में कन्वर्ट नहीं होंगी तब तक ये पकड़ जारी रहेगी। परिवहन विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार जितनी भी एलपीजी की गाड़ियाँ जो चल रही हैं उन सभी गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए एक सप्ताह पहले पूर्व में भी स्टेशन पर जितने भी कमेटी के जो मेंबर हैं वहाँ पे सबके सामने एक बैठक की गई थी और उस बैठक में बताया गया था कि एक सप्ताह के अंदर आप लोगों को कार्य कर लेना है, अन्यथा इसके बाद विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उसी के अगेंस्ट में आज पहला दिन हम लोग जो है 22 गाड़ियों का नया मोड़ में हम लोगों ने इनको जब्त किया है और जब ये सीएनजी लगा लेते हैं गाड़ियों को लीव कर दिया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।